हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज भैया ऐसा होने वाला है कि हम लोग ग्रेट लीग खेलेंगे। और गाइस आज थोड़ा अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, तो थोड़ी सी मतलब हवा की आवाज़ आ सकती है। सो गाइस पांच मैच खेलेंगे और पांचों के पांच आपको देखना, ये आपका टास्क है भाई। तो इन पाँचों मैच में आप देखेंगे कि मैं तीन पोकेमोन यूज़ करूँगा और उन तीन पोकेमोन पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहेगा वो आप देखते रहिए। सो गाइस सामने स्कारमोरी है। सो स्कारमोरी की जो वीकनेस है वो है फायर। सो गाइस जैसे मैं फायर में स्विच करूँगा तो आप देखते रहिए कि वो क्या करता है, तो वो हम पे अटैक करने वाला है। सो गाइस हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो शील्ड ले लें या ना लें। मैंने नहीं ली शील्ड और मुझे पता है स्काई अटैक बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। सो गाइस उसके पीछे रीज़न ये था कि वो मेरे को डैमेज करे और वो भागे ना, मतलब अगर वो चेंज कर लेता बाय चांस वाटर टाइप लिया था तो गाइज मैंने उसको अटैक करने दिया इसलिए। तो अब क्या है कि अब मैं उसको इतनी हेल्थ में, उसकी मैं पूरी हेल्थ ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि जो अपना कास्ट फॉर्म है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उसके लिए। सो गाइज वेदर बॉल जो है इसका अटैक बहुत जल्दी चार्ज होता है और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम हेल्थ है, मैं फिर भी शील्ड यूज़ करूँगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि स्कारमोरी इसको मार देगा। देखिए स्कारमोरी इसको इजीली मार सकता है। सो गाइस आप देखते रहिए, अब स्कारमोरी की हेल्थ बहुत कम है। अब मैं जो पोकेमोन लूँगा जब तक ये उसको मारेगा तब तक इसका लेवल थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा, लेवल बोल रहा हूँ, चार्ज थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। सो गाइस अब ये सामने आ गया है स्टन फिस्क, बहुत फास्ट है स्टन फिस्क, पर उसका जो अटैक है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो मैं शील्ड यूज़ नहीं कर रहा अपने लिए। एक्चुअली मैंने सोचा था कि वो मुझे मड बॉम्ब मारेगा, पर उसने मड बॉम्ब नहीं मारा, पर ये भी इतना कुछ खास इफेक्टिव नहीं पड़ा इस पर। सो गाइस एम्ब्रियन को मैंने पहली बार लिया है और भाई दिल खुश कर दिया इस बंदे ने, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी, बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कहूँगा मैं। ये बड़े से बड़े अटैक झेल लेता है। सो गाइस मैं शील्ड यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगा, ये शील्ड अपन बचा के रखेंगे क्योंकि अपन को नहीं पता इसका थर्ड पोकेमोन कौन सा है। सो गाइस ये मैच आप जो देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, बाकी के चार मैच हैं भाई, हारते हारते जीतूंगा मैं। और गाइस ये तीन जो सीक्वेंस हैं, तीन जो मैंने पोकेमोन लिए हैं भाई, यही सीक्वेंस में रखूंगा, कोई चेंज भी नहीं करूंगा। और गाइस देखते रहिए, ये तीनों पोकेमोन बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे अपना अलग अलग फाइट में। सो इस फाइट में तो अपन ने इस कास्ट फॉर्म को शहीद किया है, पर जो काम कास्ट फॉर्म ने किया है वही काम यहाँ पर एम्ब्रियन ने कर दिया है, तो अभी टक्कर बराबर की है लगभग, बस हमारे पास एक शील्ड ज़्यादा है। तो ब्लास्ट ट्वाइज आ चुका है हमारे सामने, तो ब्लास्ट ट्वाइज फेरी के सामने थोड़ा सा वीक है और हमारे पास एक शील्ड है, तो अगर ये हाइड्रो पंप ही मारेगा तो हम लोग बच सकते हैं। सो भाई शील्ड आ गई है, बहुत जल्दी चार्ज हुआ है, ये थोड़ी चिंता का विषय है कि अगर ये इसी तरह जल्दी चार्ज होता रहा तो हाइड्रो कैनन मारा इसने। सो गाइस अपने पास अब ये देख रहे हैं आप क्या मस्त घुमा रहा हूँ मैं, ये देखिए जब मैं एक्चुअल में घुमा रहा था तब तो भाई मुझे पता ही नहीं चल रहा था, पर अभी जब मैं अभी रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो भाई बढ़िया लग रहा है। तो ये मैच अपन जीत गए, ये मैच हार भी सकते थे पर हम जीत गए। तो अब अगला जो मैच है वो तो ऐसा होने वाला है कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, खुद ही देख लो यार। सो गाइस सीक्वेंस वही है अपना, और हमारे सामने फिर एक लड़की आ गई है पिछली बार की तरह, चांस 8 इकाई। सो गाइस इंडियन प्लेयर भी आएंगे मेरे सामने। सो गाइस आप ये देखिए कि मैंने 5 गेम खेले और पांचों को रिकॉर्ड किया है। सो गाइस रिकॉर्डिंग में ये रहता है कि अगर मैं एक गेम भी हारता तो ये वीडियो मेरी ख़राब हो जाती, पर आप ये देखिए कॉन्फिडेंस देखिए। सो गाइस मैं ग्रास टाइप के सामने फायर टाइप लाया हूँ, तो ऑब्वियस सीधी बात थी वो मुझे चेंज करेगा, और उसका कोई अटैक भी नहीं आ रहा था और उसका मैं अटैक झेल भी नहीं पाता शायद, सोलर भी मार सकता था वो। सो सामने आ चुका है लेटियाज, ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, ड्रैगन और साइकिक टाइप है। सो इसका ये है कि चार्ज अटैक थोड़ा लेट आता है, तो मुझे इस गेम में थोड़ा सही रहता है। अगर ये फटाफट मतलब ड्रैगन क्लो ऐसा कुछ अटैक करता ना ये, तो मैं ख़त्म हो जाता। तो आप देखेंगे इसका अभी तक अटैक मतलब लेट आएगा,
और अपना जो ये कास्ट फॉर्म है ये शील्ड बर्बाद करने में काफ़ी मतलब एक्सपर्ट हो चुका है धीरे धीरे। इससे पहले मैं एलोलन राइचू यूज़ किया करता था, प्राइम एप यूज़ किया करता था और आर्कनाइन जो भी आप कहते हैं वो यूज़ किया करता था। सो गाइज मैं यहाँ पर शील्ड यूज़ कर रहा हूँ पिछले गेम की तरह, मैं सोच रहा हूँ इस बार भी, तो लेट्स सी। तो शील्ड यूज़ करके मैंने उसको बचा लिया है क्योंकि जो अपना वो ग्लूम का बड़ा रूप था यार, क्या नाम था उसका, तो उसके लिए मैंने इसको रख लिया है। तो ब्लैजकिन है इसकी, जो ब्लैजकिन किक है ब्लैजकिक वो बहुत फास्ट है, अगर इसके पास होगी तो ये काफ़ी हम पे इफ़ेक्ट छोड़ सकती है। सो गाइस आप ये देखा करो यार, जो मैं करता हूँ ना घुमाता हूँ उंगलियाँ, ये बहुत मस्त लगती है मेरे को। सो इन लोगों के पास शील्ड अब नहीं बची है, ये अपने लिए बहुत बढ़िया बात है। इनका लास्ट पोकेमोन है, हमारे पास तीनों पोकेमोन है, एडवांटेज है यहाँ पर और एक शील्ड है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया है मैंने और एम्ब्रिन को चूज़ किया है मैंने और शील्ड भी नहीं लगाई और वो सोलर बीम करेगा मुझे इतना भी, पर ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि जो अपना एम्ब्रियन है वो सोलर बीम भी झेल लेता है, काफ़ी बड़े बड़े अटैक वो झेल लेता है। सो गाइस बातें करते करते हम दो मैच जीत गए। तो अभी तक कोई लेजेंडरी पोकेमोन नहीं आया अभी हमारे इसमें, तो आगे भाई लेजेंडरी पोकेमोन्स भी आने वाले हैं और हम लेजेंडरी पोकेमोन्स को भी हराएंगे इन्हीं तीनों पोकेमोन की हेल्प से। सो गाइस अपोनेंट आने में टाइम लगा रहा है, लगता है दोनों मैच उसने देखे हैं, मैंने खतरनाक खेला है। तो काली 1 2 3 8 6 1 तो इनके साथ मैच है, लेट्स सी व्हाट ही हैव। सो किसी का मैसेज आ गया था गाइस। तो सामने है मेडिकैम, बहुत बढ़िया पोकेमोन है ये और मेरा एक टाइम पे फेवरेट पोकेमोन था ग्रेट लीग में। इसके जो अटैक हैं वो साइकिक टाइप हैं, वो ख़तरनाक हैं, बच के रहिएगा, मिले आइस पंच मारा वैसे तो। सो मैं ये आ चुका है मोल्ट्रेस, तो ये एक लेजेंडरी पोकेमोन की स्टार्टिंग हो चुकी है। आप देखते रहिए आगे, बहुत ख़तरनाक लेजेंडरी पोकेमोन आने वाले हैं जिनको मतलब पकड़ने के बाद वैसा बनाना बहुत मुश्किल है। सो गाइस इनसे लड़ने के लिए मैं अब क्या करूँगा, ये फायर टाइप है तो मैं फायर टाइप ही लेके आ गया हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मैंने क्या करें यार, तीन पोकेमोन ही रख सकते हैं ना, तो तीन का जो क्या क्या रखे हैं बताओ। तो फायर के लिए मैं फायर ले आया हूँ, तो जो इसका एम्बर अटैक है, ये वाला एम्बर नहीं तो वेदर बोले एम्बर, जो इसका फास्ट अटैक है वो मतलब धीरे धीरे मारता रहता है, स्लो पॉइजन की तरह है वो। सो गाइस मैंने यहाँ पर रिस्क लिया है और फायर ब्लास्ट सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है मुझे पता है, पर मुझे लगा कि वो हवा का झोंका मारेगा। सो गाइस ये क्या हुआ, तो अपना कास्ट फॉर्म ख़त्म हो गया है। सो ये भाई एम्ब्रियन के साथ मैं पहली बार खेल रहा हूँ, मुझे इसकी ताकतों का नहीं पता था और मैं यहाँ पर शील्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि पता नहीं आ रही है अगर ख़त्म हो गया तो ये गेम हार सकते हैं। और इतने मैच जीतने के बाद, मतलब दो मैच जीतने के बाद ये वाला मैच हार जाए तो रिकॉर्डिंग ख़राब हो सकती है भाई। तो अब आ चुका है वेनुसॉर, तो वेनुसॉर को मैं इजीली हरा सकता हूँ इसकी हेल्प से। और कास्ट फॉर्म की यहाँ पर हमें थोड़ी सी कमी फील हो रही है, पर कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है अपने पास। अभी सोलर बीम भी मारे तो भी डर नहीं है, रिटर्न मारे तो भी डर नहीं है, जो कि रिटर्न मारेगा नहीं है, ये मारेगा स्लज बॉम्ब। सो गाइस उस टाइम मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा था, जब मैं खेल रहा था लाइव तो उसमें डर लग रहा था कि अगर इसने स्लज बॉम्ब का इफेक्ट, मुझे पता नहीं है, जब हमारे सामने नया पोकेमोन होता है तो हमें उसकी डिफेंस अटैक के बारे में कमी नॉलेज रहती है। सॉरी गाइस ये 20% का बैटरी का मैसेज कैसे आ गया पता नहीं। सो गाइस ये मैच हम ईजिली जीत गए हैं, तो एक लेजेंडरी पोकेमोन आ चुका है और अब हम बढ़ते हैं चौथे मैच के लिए, शायद मेरी गिनती सही है, तो ग्रेट लीग ही खेलेंगे हम लोग पांचों मैच। सो गाइस मैं ग्रेट लीग के लिए आपको कह रहा था कि आपको ऐसे पोकेमोन रखने हैं जो कि फटाफट चार्ज हो, तो मैंने वही रखे हैं, मतलब पहले वही रखे थे, अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है उसको। आपको ग्रेट लीग में क्या है, थोड़ी थोड़ी दूर पे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है, रेटिंग बढ़ती है, आपको अपना खेलने का वे चेंज करते रहना पड़ेगा। सो गाइस सामने ग्रास टाइप पोकेमोन है, बहुत सुंदर है यार ये तो, पर इसका ग्रास अटैक नहीं था।
सो गाइस लुकेरियो लाए, शाइनी लुकेरियो है ये, शाइनी पोकेमोन की भरमार है भैया के सामने ऐसा लग रहा है। तो शील्ड यूज़ करेंगे यार, ये पंच मारेगा और पावर अप पंच है ये। तो लुकेरियो को हमने निपटा दिया लगभग हम लोग, मैं अभी ये अटैक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और चार्ज कर लें इस अटैक को। अब ये अटैक चार्ज हो चुका है और शील्ड ख़राब करने का टाइम आ चुका है, लेट्स सी व्हाट ही हैव। सो गाइस ये है मेल मेटल। सो गाइस इसके सामने मैं फायर टाइप पोकेमोन लाऊंगा, मेटल फायर के सामने ज़्यादातर मेल्ट हो जाता है। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था शील्ड यूज़ करूँ या ना करूँ, तो मैंने लास्ट में सोचा ना यूज़ करूँ। रॉक स्लाइड, सो देखिए गाइस अब मेरे जो दोनों पोकेमोन हैं उनकी हेल्थ कम हो चुकी है और कास्ट फॉर्म है फायर टाइप, ये इसको गला सकता है। सो गाइस बस ये शील्ड यूज़ ना करें तो ख़त्म हो जाएगा। मैक्सिमम पोकेमोन है जिनकी मतलब कमज़ोरी वीकनेस फायर रहती है, तो ये भैया शील्ड यूज़ कर चुके हैं और फिर भी देखिए भाई अंबर अटैक ने भी काफ़ी कमाल कर दिया और इन्होंने ये गलती कर दी, ये बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने। एक्चुअल में उसने मेल मेटल को बचाने के लिए इसको कुर्बान किया है और एक ग्रास टाइप पोकेमोन बेचारा क्या करे यार। तो मेल मेटल इज़ बैक और हमें डर है कि अटैक करेगा और मैं थोड़ा कन्फ्यूज था किसको लूँ, तो मैंने नाइनटेल को ले लिया कि अटैक करे और नाइनटेल इसको अपने ज़िम्मे ले ले। सो गाइस मेल मेटल के अटैक बहुत फास्ट होते हैं और आप देख लीजिए। सो गाइस मैं यहाँ टोटली ये सोच रहा था कि इसका ये रॉक स्लाइड क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा और कुछ नहीं किया यार, मुझे पता होता तो भाई मैं बिल्कुल नहीं डरता। सो एम्ब्रियन भाई बहुत सही है, आप लोग भी यूज़ करें ईवी को, रात के टाइम विकसित करें, दस किलोमीटर चलाएं, दो कैंडीज लेनी होती हैं। सो गाइस मेल मेटल से फाइट करते टाइम यही लग रहा था कि यार ये कुछ कर सकता है। तो इस लीग में होता क्या ग्रेट लीग में कि जो पोकेमोन होते हैं वो ग्रेट लीग क्यों थोड़ी बढ़िया रहता है, ज़्यादा बड़ी लीग के होते हैं तो उनकी हेल्थ में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। सो हमारे सामने आ गया ड्रिफ ब्लिम, तो मैंने उसको पहली बार यहीं पर देखा है और इस बंदे के पास जितने पोकेमोन है मतलब एक और आएगा शायद उसको भी पहली बार ही देखूँगा। और इसको पता है कि इसकी वीकनेस फेरी है इसलिए इसको हटा भी नहीं रहा है और हम लोग शील्ड यूज़ करेंगे क्योंकि इसका जो ऊपर था वो डार्क टाइप का था, मतलब ये शेडो अटैक करेगा शायद। तो जब हम फाइट करते हैं तो ऊपर देख लेना चाहिए कि कौन सा मतलब क्या अटैक हो सकते हैं ऊपर, ऊपर फ्लाइंग और डार्क बना हुआ है, मतलब घोस्ट बना हुआ है, सॉरी फ्लाइंग और घोस्ट, तो ये देख लेना चाहिए। सो वेट कर रहा हूँ, तो लगता है नेट उनका स्लो है थोड़ा, मेरा भी एक गेम में नेट स्लो हो गया था उसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था पर फिर। तो हमारे सामने एक फ़िश है, सो गाइस ये फ़िश मैंने पहली बार देखी है अभी तक के मतलब गेम में और मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ शील्ड यूज़ करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शील्ड ऐसे पोकेमोन को दूँ जिसको ज़रूरत है शील्ड की ज़्यादा और इन लोगों ने एक भी शील्ड यूज़ नहीं की, तो फिर मैंने सोचा अब अटैक कर ही देता हूँ। सो ये अटैक तैयार हो गया मेरा, इसको जब मैं घुमाता हूँ ना तो मेरा ध्यान ज़्यादातर उसी पे रहता है। सो गाइस ये मैच मैं हम जीतेंगे हारेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि शील्ड बिल्कुल नहीं है अपने पास, पर हम लोगों को लास्ट तक देखना है ये वीडियो क्योंकि आपके लास्ट तक देखने से ना मुझे मिलता है वॉच टाइम और आपके वॉच टाइम से मेरी वीडियो जाती है रैंकिंग में। सो ये लंबा प्रोसेस है और इसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो हमारे सामने आ गया जेप डॉस, लेजेंडरी पोकेमोन बैक। सो गाइस इस गेम में आप देखना मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसको मैंने चार्ज किया और इसको पीछे रख लिया। सो गाइस इसके पीछे रीज़न ये था इसके पास एक शील्ड है तो मैं वो शील्ड ख़राब करना चाहता था बस, और वो शील्ड हमारा ख़राब करेगा कास्ट फॉर्म, मतलब करेगा कर दी। सो गाइस कास्ट फॉर्म ने जो हेल्प की है भाई वो कोई नहीं कर सकता था फिलहाल इस टाइम पे, कास्ट फॉर्म ने बिल्कुल लास्ट में मतलब जो
बूस्ट मारा ना, जो चार्ज अटैक दिया है। सो गाइस इसकी शील्ड अब ख़त्म हो चुकी है, अपना अब हीरो आने वाला है एम्ब्रियन, और ये रहा उसका चार्ज अटैक ऑन डिमांड। इसको एक्सीलेंट तक खींचेंगे हम लोग, और ये चार्ज अटैक लगा जेबडॉज बैक टू पवेलियन। सो गाइस आप देख रहे हैं लगातार मैच जीत रहे हैं, इसमें कोई वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहा मैं, और हम लोग पाँचों के पाँच मैच जीत चुके हैं, पता भी नहीं चला यार पाँच मैच जीत गए। सो गाइस आपने देखा होगा कि क्या सीक्वेंस रखना है, तो सीक्वेंस में क्या है, आपको एक फेरी रख लो, उसके बाद एक फायर रख लो, और एक एम्ब्रियन आप कर ही लो यार, अगर नहीं है तो इवॉल्व कर लो एम्ब्रियन। सो गाइस ये मेटाग्रॉस आ गया है, तो मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये फेंका नाइस। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है, और थोड़ी नॉइज़ के लिए एक्सक्यूज़ करना यार, क्या है कि हवा आंधी उंधी चल रही है और आसपास लोग भी रहते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है। सो गाइस मेटाग्रोवर्स थोड़ी सी बेशर्मी दिखाने लगा है, तो हम इसको बाद में पकड़ेंगे, फ़िलहाल अभी हम लोग रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोगों का साथ रहा तो भैया कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी, और गाइस अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, अपन क्या बहुत जीतने वाले हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू ब्रो।